हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डरहम वर्सेस नॉटिंगहम शायर के बीच में होने वाला इंग्लिश T20 ब्लास्ट का मैच के बारे में। तो ये जो मैच है भाई, आपको भारत के टाइम के अनुसार 11 बजे रात को खेला जाएंगे। अभी भी मैच स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम बचे हैं भाई, ये मैच आपको रात को 11 बजे खेला जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं 20 ग्रैंड लीग टीम बना के रख चुका हूँ। यहाँ पर आपको 200 ग्रैंड लीग टीम का अपडेट दूंगा, कौन कौन सा प्लेयर को यहाँ पर हम कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे तो हमारी टीम जीतने के चांसेस हाई होगा। ये सारा जानकारी आपको इसी वीडियो पर मिलने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड पहले बार आप मेरे चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। तो चलिए भाई, आप लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो पहला जीएल टीम आप देख सकते हो भाई, यहां पर मैं बना के रख चुका हूं। दो विकेट कीपर है, यहां पर आपको स्क्रीन पे क्लियरली नजर आ रहा है, जे क्लर्क और जे क्लार्क है। और उसके बाद चार बल्लेबाज है भाई, यहां पर एलेक्सेल्स, कोलिन मुंड्रो, लीस और यहां पर मोंटेगोमिन है। ऑलराउंडर्स पे और यहां पर समित पटेल, बी रायनी, बासदे लीडी है भाई। उसके बाद यहां पर स्टाउटर है और इसके साथ साथ साइंस अफ्रीदी को यहां पर मैं टीम पे ले रहा हूं। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन पे यहाँ पर आपको कोलिन मुंड्रो और एलेक्स हिल्स है। लेकिन बैकअप प्लेयर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर बैकअप प्लेयर पे भाई स्टोक्स तो खेलने के चांसेस कम है, यहाँ पर एस्टन टर्नर, मार्कोट और इसके साथ साथ यहाँ पर पॉट्स है और इसके साथ साथ मुलानी, नहीं तो जॉर्ज रॉबिन्सन को आप ले लीजिए। जॉर्ज रॉबिन्सन लास्ट मैच में काफी अच्छे खेले हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो भाई, मेरा पहला जीएल टीम अपडेट हो चुका है। और अब बात करेंगे दूसरा जीएल टीम, तो दूसरा जीएल टीम पे अगर देखा जाए भाई, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दो विकेट कीपर जे क्लार्क का, जे क्लार्क है, एलेक्स हिल्स, एस्टन टर्नर है भाई। उसके बाद पांच बल्लेबाज, यहाँ पर समित पटेल, मुलानी, रायनी, करसी और इसके बाद बासदे लीडी है। उसके बाद गेंदबाजी डिपार्टमेंट में यहां पर आप देख सकते हो भाई, यहां पर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको, जे बॉल के साथ साथ साइंस अफ्रीदी है भाई यहां पर। इन दोनों को मैंने यहां पर गेंदबाजी डिपार्टमेंट में लिया। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए भाई, बासदे लीडी को यहां पर मैंने कैप्टन बनाया और वाइस कैप्टन पे यहां पर मैं एस मुलानी को टीम पे ले रहा हूं। लेकिन बैकअप प्लेयर पे अगर देखा जाए भाई, यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर बेन डकट अगर खेलते हैं तो एक अच्छा पिक है, कोलिन मुंड्रो एक अच्छा पीस है और यहां पर लीस भी अच्छे खेल रहे हैं, जॉर्ज रॉबिन्सन, ये चारों प्लेयर्स को मैंने यहां पर इंपैक्ट प्लेयर पे कवर कर लिया। तो यहां पर आप देख लीजिए, दो जीएल कंप्लीट होने के बाद अभी आपको मैं तीसरा जीएल टीम दिखा देता हूं। दो विकेट कीपर है भाई, उसके साथ साथ चार बल्लेबाज, उसके बाद तीन ऑलराउंडर और यहां पर आपको दो गेंदबाज नजर आ रहे हैं। तो समित पटेल मेरा वाइस कैप्टन है और यहां पर कोलिन मुंड्रो को यहां पर मैंने कैप्टन बनाया। लेकिन बैकअप प्लेयर पे अगर देखा जाए भाई, यहां पर आपको कार्सी को लेके, एलेक्सेल्स, एस्टन टर्नर और इसके साथ साथ भाई यहां पर आपको मुलानी को आप टीम पे रख लीजिएगा। तो ये जो हमारा टीम है भाई, तीसरा जीएल टीम के साथ साथ बैकअप प्लेयर को भी मैंने कवर कर लिया। तो भाई तीन जीएल टीम हम लोग देख चुके हैं और अभी आपको मैं 17 जीएल टीम दिखाने वाला हूं। लेकिन 17 जीएल टीम देखने से पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूं। अगर लिंक ओपन नहीं होता उसके लिए क्या प्रोसेस है, चलिए आपको मैं दिखा देता हूं। तो भाई आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके आप इस प्रकार सर्च कर लेना, @shatrughn225। अगर इस प्रकार सर्च करते हो तो आपको मेरे चैनल से हो जाएगा। 2300 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं और एक जो बंदा भाई मेरे नाम पे फेक चैनल क्रिएट किए हैं, इससे आप कितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना फायदा रहेगा। और चलिए मेरा मेन टेलीग्राम चैनल भी आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं वहाँ पर कवर करता हूँ। तो भाई आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको मैं आज की जो मैच है चेन्नई और गुजरात की जो टीम है, इसमें 20 ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन दे चुका हूं। अभी तक आप जाके नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लेना, क्योंकि फाइनल T20 मैच है भाई, इसमें भी आपको ग्रैंड लीग टीम देने वाला। और आज की जो मैचेस है भाई, पूरे चार मैचेस है, IPL एक मैच है, उसके बाद नेचर इसलिए T10 लीग का, यहाँ पर आपको 20 ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन होने वाला है और यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन कम होगा। यहाँ पर आपकी जीतने की जो चांस है भाई ग्रैंड लीग पर 95% रहने वाला है। और इंग्लिश T20 ब्लास्ट का एक ही मैच कवर कर रहा हूँ, काफ़ी मैचेस खेल रहे हैं लेकिन भाई यहाँ पर आपको 7 से 7.5 के बीच में पूरे यहाँ पर लगभग 5 मैच हो रहा है। ये पांचों मैच कवर करना काफ़ी मुश्किल है भाई, लेकिन इसलिए मैं आपको मैं बता रहा हूँ, चार बेस्ट मैचेस में कवर कर रहा हूँ और ये चारों मैच यहाँ पर अच्छा होने वाला। और इसके साथ साथ एक दुखद खबर है और यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है भाई, क्योंकि अंबट रायडू और क्रिकेट से फेयरवेल ले चुके हैं, आज की मैच लास्ट रहने वाले हैं। तो ये दोनों बड़े टीम के लिए खेले, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग के लिए, तो इनको तारीफ बनता है भाई, क्योंकि काफ़ी साल ये सर्विस किए हैं, चाहे वो इंडिया टीम हो और चाहे ये यहाँ पर IPL पे। तो एक अंडररेटेड प्लेयर है भाई, हमेशा एक अच्छा खेला लेकिन यहाँ पर इनका टाइम खराब गया भाई। लेकिन यहाँ पर आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर टीम 15 इज गोइंग गुड नॉट बैड। तो यहाँ पर आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, टीम 15 यहाँ पर मैं 200 ग्रैंड लीग टीम यहाँ पर आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, लेकिन वो जो
20 ग्रैंड लीग टीम से भाई आपको 10 मिनट तक वो मेरे टेलीग्राम पे रहेंगे, क्योंकि मुझे स्ट्राइक की प्रॉब्लम है भाई। अगर स्ट्राइक मिल जाता तो क्या प्रॉब्लम होगा आप सभी को पता है, इसलिए मैं 10 मिनट के बाद वो 20 ग्रैंड लीग टीम डिलीट कर दूंगा, लेकिन आपको टीम बनाते समय तक मैं 20 ग्रैंड लीग टीम रखूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई 20 ग्रैंड लीग टीम के लिए। अब बात करेंगे भाई यहाँ पर हम 3 ग्रैंड लीग टीम देखने के बाद, अब आपको मैं चौथा जीएल टीम दिखा देता हूँ। 3 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और यहाँ पर 3 गेंदबाज है भाई यहाँ पर। तो कैप्टन पे बांस दिलेडी और वाइस कैप्टन पे एलेक्स हेल्स के साथ जा रहा हूँ। और बैकअप प्लेयर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एस्टन टर्नर की जगह समित पटेल है भाई, कोलिन मुनरो को आप ले लीजिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको टॉम मोरिस को आप यहाँ पर टीम पर जरूर रखिएगा। तो ये जो हमारा टीम है भाई चौथा ग्रैंड लीग टीम है। अभी आपको मैं पांचवां जीएल टीम भी दिखा देता हूँ। 2 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 4 ऑलराउंडर, इसके साथ साथ 2 गेंदबाज है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे बांस दिलेडी कैप्टन है, वाइस कैप्टन पे कोलिन मुनरो के साथ जा रहा हूँ। और बैकअप प्लेयर पे अगर देखा जाए भाई यहाँ पर एस्टन टर्नर है, और इसके साथ साथ मैं लास्ट से जाना चाहूंगा इस बार। तो लास्ट में यहाँ पर मैम कार्टर मैकेर और इसके साथ साथ यहाँ पर मोंटो गोमेरी है भाई, आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा। तो आप देख लीजिएगा भाई हमारी पूरे अभी तक यहाँ पर 5 ग्रैंड लीग टीम सक्सेस हो चुके हैं। और यहाँ पर अभी आपको मैं छठा जीएल टीम दिखा देता हूँ। 2 विकेट कीपर, 1 बल्लेबाज, 5 ऑलराउंडर से भाई, इसमें फिर 3 गेंदबाज को मैंने पिक किया। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे भाई यहाँ पर रायनी को मैं वाइस कैप्टन लेके कैप्टन पे साइंस अफरीदी के साथ जा रहा हूँ। और बैकअप प्लेयर पे अगर देखा जाए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई यहाँ पर एलेक्स एस्टन टर्नर है, उसके बाद कोलिन मुनरो एक अच्छा पिक है भाई, एक्सपीरियंस इनके पास है। और इसके साथ साथ भाई लिंडा जेम्स को यहाँ पर मैं टीम पर रख लीजिएगा। तो ये जो मेरा टीम है भाई यहाँ पर 6 ग्रैंड लीग टीम सक्सेस हो चुके हैं। तो अब अगर आप दूसरे चैनल पर फॉलो करते हैं तो आपको ओनली 6 ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं 20 ग्रैंड लीग टीम का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ भाई। अब आपको मैं दिखा देता हूँ 7वां जीएल टीम। तो 7वां जीएल टीम पे 1 विकेट कीपर, 2 बल्लेबाज, 4 ऑलराउंडर, 4 गेंदबाज है भाई, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले में बी रायनी और यहाँ पर लीस को यहाँ पर मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन लिया। लेकिन यहाँ पर बैकअप पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको बैकअप पे यहाँ पर आपको ग्लूवर है भाई, एक अच्छा प्लेयर है, ग्लूवर को जरूर टीम पर रखेगा। उसके बाद मैकेर है और यहाँ पर आपको मोंटो गोमेरी है, और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर ट्रेवास की से आप इनको जरूर टीम पर रखेगा। तो ये भी टीम हमने सेव करके रख लिया। तो यहाँ पर हमारी 7 ग्रैंड लीग टीम सक्सेस हो चुके हैं। और 8 जीएल टीम पे 2 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाज है भाई। और कैप्टन वाइस कैप्टन पे यहाँ पर दोनों गेंदबाज साउटर और साइंस अफरीदी को यहाँ पर मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन लिया। लेकिन यहाँ पर आपको बेंच प्लेयर से इंपैक्ट प्लेयर बोल सकते हो, बैकअप प्लेयर बोल लीजिए, एलेक्स हेल्स, समित पटेल, बांस दिलेडी और इसके साथ साथ कोलिन मुनरो, नहीं तो आप यहाँ पर लीस को ले लीजिएगा। तो ये जो हमारा टीम है भाई 8 जीएल टीम के साथ साथ बैकअप भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं 9th जीएल टीम दिखा देता हूँ। 2 विकेट कीपर, 4 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 2 गेंदबाज है भाई यहाँ पर। तो वाइस कैप्टन पे बांस दिलेडी और कैप्टन पे यहाँ पर लीस को ले रहा हूँ। तो ये जो हमारा टीम है भाई 9th जीएल टीम है। और बैकअप प्लेइंग पे देखा जाए तो यहाँ पर आपको एस्टन टर्नर की जगह आप यहाँ पर दूसरा प्लेयर को ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मुलानी है भाई, जॉर्ज रॉबिन्सन है, और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको ग्लोवर की जगह आप यहाँ पर टॉम मोरिस को ले लीजिए, और यहाँ पर आपको लिंडा जेम्स एक अच्छा पिक है। तो इस टीम को भी मैंने सेव करके रख लिया। तो हमारा 9 टीम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको मैं 10वां जीएल टीम दिखा देता हूँ। 2 विकेट कीपर, 4 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 2 गेंदबाज है, और कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले में साइंस अफरीदी और यहाँ पर एलेक्स हेल्स है। तो ये जो हमारा टीम है भाई यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टीम है, और तो इस टीम को भी मैंने सेव करके रख लिया। और यहाँ पर 10 ग्रैंड लीग टीम मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बैकअप प्लेइंग पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर टर्नर की जगह आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुलानी, जॉर्ज रॉबिन्सन है भाई यहाँ पर बेस्ट प्लेयर्स को पिक करा, ग्लोवर को यहाँ पर मैं रिस्क पिक लिया, और टॉम मोरिस को यहाँ पर मैंने टीम पर रख लिया। तो ये जो हमारा टीम है भाई 10 ग्रैंड लीग टीम कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई 10 ग्रैंड लीग टीम आपको मैंने दिखा दिया, लेकिन अभी भी 10 ग्रैंड लीग टीम बचा भाई। लेकिन एक 10 ग्रैंड लीग टीम देखने से पहले इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लग रहा है 20 ग्रैंड लीग टीम एक्सप्लेन करने में और 20 ग्रैंड लीग टीम बनाने में भी भाई काफी मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आपकी सपोर्ट रहेंगे तो यहाँ पर 20 ग्रैंड लीग टीम मैं हमेशा देता रहूंगा। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ 11वां ग्रैंड लीग टीम। 1 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 4 गेंदबाज है भाई यहाँ पर। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले में यहाँ पर बांस दिलेडी और साइंस अफरीदी को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन ले लिया। तो ये जो हमारा टीम है 11वां ग्रैंड लीग टीम है। और इंपैक्ट प्लेयर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एस्टन टर्नर है, और इसके साथ साथ भाई जॉर्ज रॉबिन्सन, और यहाँ पर आपको नजर आएंगे भाई जी क्लर्क और यहाँ पर टॉम मोरिस। तो ये जो टीम हमारी है भाई यहाँ पर 11 ग्रैंड लीग टीम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको मैं 12th जीएल टीम दिखा देता हूँ। जी क्लर्क और यहाँ पर जे क्लर्क दोनों विकेट कीपर है भाई यहाँ पर, 3 बल्लेबाज है, 4 ऑलराउंडर और 2 गेंदबाज है। तो दोनों विकेट कीपर्स को जे क्लर्क और जे क्लार्क को यहाँ पर मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन ले लिया। और बैकअप प्लेइंग पे अगर देखा जाए तो एस्टन टर्नर ले रहे हैं भाई यहाँ पर, मार्कुट बेनी पानर, ये सब
प्लेयर्स नहीं खेल रहे, तो यहाँ पर जॉर्ज रॉबिन्सन है और इसके साथ ग्लूवर है भाई, और एक और प्लेयर को यहाँ पर थोड़ा रिस्क प्लेयर को मैं लेना चाहूंगा, जोन्स को आप यहाँ पर पिक कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा टीम है भाई, यहाँ पर 12 ग्रैंड लीग टीम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं 13th जीएल टीम दिखा देता हूँ भाई। 13th जीएल टीम पे 3 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 2 गेंदबाज है। तो यहाँ पर जॉर्ज रॉबिन्सन को यहाँ पर मैं वाइस कैप्टन बना के कैप्टन पे एलेक्स हेल्स के साथ जा रहा था। ये जो हमारा टीम है भाई 13th जीएल टीम है, तो यहाँ पर बैकअप पे अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर मुलानी, और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको टॉम मोरिस है, और यहाँ पर मोंटगोमेरी, और इसके साथ साथ जोन्स के साथ आप जा सकते हो। तो ये जो हमारा टीम है भाई 13 जीएल टीम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको 14 जीएल टीम दिखाऊंगा। 3 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 2 गेंदबाज है भाई यहाँ पर। तो साइंस अफरीदी को मैं कैप्टन बना रहा हूँ भाई यहाँ पर, और वाइस कैप्टन पे यहाँ पर कोलिन मुनरो के साथ जा रहा हूँ। तो ये जो हमारा टीम है भाई यहाँ पर 14वां ग्रैंड लीग टीम है, और बैकअप पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर टर्नर है, और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर मोलानी, और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई यहाँ पर टॉम मोरिस, और इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रेवस किस है भाई यहाँ पर। तो हमारा अभी तक देखा जाए भाई यहाँ पर अभी तक हमारा 14 ग्रैंड लीग टीम कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी जो 6 जीएल देखने वाले हैं भाई, तो 15वां जीएल टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाज है। तो कैप्टन पे यहाँ पर आप देख सकते हो भाई बास्टी लीडिया, और वाइस कैप्टन पे कोलिन मुनरो के साथ जा रहा हूँ। तो ये जो हमारा टीम है भाई 15वां जीएल टीम है, और बैकअप पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट से आना चाहूंगा। तो यहाँ पर डोनाइटी यहाँ पर कम लोग पिक कर रहे हैं भाई, आप इनको जरूर रखिएगा। कार्टर एक अच्छा पिक है, उसके बाद यहाँ पर मोंटगोमेरी, और इसके साथ साथ जेम्स को आप ले लीजिएगा। तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अभी तक पूरे टोटल 15 ग्रैंड लीग टीम अपडेट हो चुका है। अब आपको मैं 16वां जीएल टीम दिखा देता हूँ। 16वां जीएल टीम पे 2 विकेट कीपर, 3-5 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर, और इसके साथ साथ 2 गेंदबाज है भाई। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन पे यहाँ पर आप देख सकते हो बास्टेलिडी को वाइस कैप्टन बना के कोलिन मुनरो को यहाँ पर मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बना लिया। आप चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर एलेक्स हेल्स है भाई, इसके बाद यहाँ पर साइंस अफरीदी, समित पटेल, और यहाँ पर जे क्लर्क को यहाँ पर मैंने टीम पे रख लिया। तो यहाँ पर हमारा 16 टीम कंप्लीट होने के बाद अब आपको मैं 17वां जीएल टीम दिखा देता हूँ। 1 विकेट कीपर, 4 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर, और इसके साथ साथ यहाँ पर 4 गेंदबाज है। तो एस्टन टर्नर मेरा वाइस कैप्टन है, और कैप्टन पे भाई यहाँ पर बी रानी को यहाँ पर मैंने पे ले लिया। तो बैकअप पे अगर देखा जाए भाई यहाँ पर काफी प्लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर बास दिलेडी, समित पटेल, जे क्लर्क, और इसके साथ साथ लीज को यहाँ पर मैंने टीम पे रख लिया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 17 ग्रैंड लीग टीम कंप्लीट होने के बाद अब आपको मैं 18वां जीएल टीम दिखा देता हूँ। जॉर्ज रॉबिन्सन 1 ही विकेट कीपर है, 4 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाज है। तो यहाँ पर आपको कैप्टन पे यहाँ पर आप देख सकते हो भाई यहाँ पर कैप्टन पर यहाँ पर जॉर्ज रॉबिन्सन और सॉरी मोंटगोमेरी, और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर बास्टी लीडी को यहाँ पर मैंने वाइस कैप्टन पर यहाँ पर टीम पर रख लिया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा 18 जीएल टीम कंप्लीट हो चुके हैं, और बैकअप पे भाई यहाँ पर आप देख लीजिएगा साइंस अफरीदी है, जे क्लर्क है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मोलानी एक अच्छा पिक है भाई, और इसके साथ साथ ग्लोवर को आप टीम पर जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा अभी तक 18 जीएल टीम कंप्लीट हो चुका है। तो 19वां ग्रैंड लीग टीम पे यहाँ पर 2 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 4 ऑलराउंडर, और यहाँ पर 2 गेंदबाज है, और कैप्टन वाइस कैप्टन पे एलेक्स हेल्स के साथ साथ भाई यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर लीस को। यहाँ पर हमारे 19 ग्रैंड लीग टीम कंप्लीट होने के बाद बैकअप पे आप यहाँ पर टर्नर, और यहाँ पर साइंस अफरीदी, जे क्लर्क, और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आप रखिएगा टीम पे टॉम मोरिस। तो आप देख लीजिए हमारा 19 के 19 ग्रैंड लीग टीम अपडेट हो चुका है। अब आपको 20th जीएल टीम दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3 विकेट कीपर के साथ जा रहा है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्लर्क, जॉर्ज रॉबिन्सन, टॉम मोरिस है, 2 बल्लेबाज है, 2 ऑलराउंडर्स है, समित पटेल, बास्दे लीडिया, उसके बाद गेंदबाजी पे स्टोटर, मैकेर, मैकार्टर, साइंस अफरीदी है। तो साइंस अफरीदी वाइस कैप्टन है, और कैप्टन पे यहाँ पर मैं समित पटेल के साथ जा रहा हूँ। तो ये जो हमारा टीम है भाई 20वां ग्रैंड लीग टीम है। तो यहाँ पर आपको बैकअप पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसको लेना चाहिए आपको बता देता हूँ भाई यहाँ पर। तो बैकअप पे अगर देखा जाए तो जे क्लर्क, लीस एक दोनों अच्छा पिक है, बुलाने को आप यहाँ पर जरूर रखिएगा, इसके साथ साथ रायनी को आप टीम पर जरूर रख लीजिएगा। तो हमारा 20 के 20 ग्रैंड लीग टीम अपडेट हो चुके हैं भाई। तो फाइनल टीम फर्दर अपडेट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना, इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।